तो दोस्तों, बहुत दिनों से एक मैसेज मुझे कंटिन्यू देखने को मिल रहा था कि सर, आप रेगुलर पैटर्न लॉक के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, 4 डिजिट का पासवर्ड का भी आपको वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बार मेरे चैनल पे 6 डिजिट का पासवर्ड का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे वीडियोज़ को बनाया हुआ है, लेकिन इधर कुछ दिनों से पिन के रिगार्डिंग और पैटर्न के अलावा पासवर्ड, वो भी 4 डिजिट का पासवर्ड के अलावा भी मेरे पास रेगुलर जो है कमेंट मुझे मिल रहे थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो यार, पैटर्न के अलावा जो है पिन और 4 डिजिट पासवर्ड के ऊपर भी ये वीडियो मैं बना देता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके फ़ोन में पैटर्न के अलावा पासवर्ड लॉक भी लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी किसी भी स्मार्टफोन का डिवाइस है तो आपको यहाँ पे टेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने लॉक लगे हुए स्मार्टफोन को बहुत ही इजी वे से अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी भी स्मार्टफोन को अनलॉक करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि आप जिस स्मार्टफोन को अनलॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उस स्मार्टफोन का सिम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके स्मार्टफोन का बैटरी का जो परसेंटेज है वो कितना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्मार्टफोन का बैटरी का परसेंटेज जो है 66% है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे फ़ोन के बैटरी का जो परसेंटेज है यहाँ पे 66% है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप ये देखिए, नो सिम कार्ड, यहाँ पे नो सिम एमरजेंसी ओनली यहाँ पे लिखा रहा है ना, एमरजेंसी ओनली। तो हमारे स्मार्टफोन में, अभी जो हमारा स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में वन एंड ओनली कोई भी यहाँ पे सिम नहीं है। सोर्स सिर्फ इंटरनेट का हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि जब फ़ोन आपका लॉक होता है तो आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो वो भी काम नहीं करता है। फिलहाल हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि विदाउट डेटा लॉस कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होने वाला है। कैसे इन सारी चीज़ को किया जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। और सबसे पहला जो काम हमें ये करना है कि अपने फ़ोन को यहाँ पर इस तरीके से एमरजेंसी कॉल नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, इसको डायल कर लेना है इस तरीके से ओपन करके। यहाँ पे जो नंबर मैं डायलिंग नंबर आपको बताने वाला हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको *#813 एंड हैज यहाँ पे आपको यूज करके देखना है अगर आप लॉक स्क्रीन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आ रहे हैं लॉक स्क्रीन, अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में जाके *#, ये जो कोड मैं आपको दे रहा हूँ और ये कोड आपको इंटर करना है हैज के साथ। जिनका लॉक स्क्रीन आ रहा है उनको यहाँ पे कॉल करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 टाइम यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। अब जिनका लॉक स्क्रीन नहीं आ रहा है, मीन्स कि *#813 और हैज दबाने पर इस तरीके का लॉक स्क्रीन नहीं आ रहा है, उनके लिए इमरजेंसी कॉल में जाके यहाँ पे जो मैं कोड आपको देने वाला हूँ ये कोड आपको इंटर करना है। एंड देन यहाँ पे ओनली 1 टाइम कॉल करना है, एक बार कॉल करना है इस तरीके से। तो अभी मैंने ये आपको डेमो के लिए दिखाया था। अभी हमें क्या करना है कि अपने स्मार्टफोन को देखिए, जब भी कोई हम कोड इंटर करते हैं ना तो हमें दिक्कत हो जाती है कि हमारा जो फ़ोन है अब उसके कंफर्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई ट्रिक यूज करें अपने स्मार्टफोन को, आपको रीबूट करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी मेथड अगर किसी यूट्यूबर का आप देखते हैं, उसको रीस्टार्ट, ऑन ऑफ ये सब कर दीजिएगा। कोई भी स्मार्टफोन हो ये मेथड ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों कोड इंटर कर दिया है तो कोई यहाँ पे कोड वैलिड नहीं होगा। जो हमारा लास्ट का कोड जो हमने यूज किया था वही यहाँ पे वैलिड रहता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि फ़ोन जब हमारा ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। और हमारे केस में अब जो है *#813 हम जब डायल करेंगे तो क्या होता है, ये भी यहाँ पे देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे वापस जाएंगे, *#813 एंड हैज यहाँ पे डायल कर रहे हैं, तो वापस से लॉक स्क्रीन पे हम आ जा रहे हैं, इमरजेंसी कॉल में जाएंगे।
स्टार हैज, और यहाँ पे हम जो कोड इंटर करने वाले हैं ये कोड आप देख लीजिए, ये कोड जो है दोस्तों बिल्कुल रैंडम तरीके से आपके पास वर्क करेगा। अगर आपके फ़ोन में दोनों कोड आपने डायल कर दिया है तो उस केस में ये कोड का डायलिंग यहाँ पे ज़रूरी होता है, लेकिन आप तो कोई एक ही कोड डालेंगे। अगर दोनों को ट्राई कर लिए हैं तो इसको 3 बार आपको यहाँ पे कॉल कर लेना है, एंड देन यहाँ पे इन सारे नंबर्स को आपको हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, सारे नंबर्स को हमें यहाँ पे हटा देना है, एंड स्टार हैज 813 एंड हैज वापस से हम यहाँ पे डायल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर से वापस आ रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, इमरजेंसी कॉल पे वापस चले जाना है, एंड देन यहाँ पे हमें करना है ये कि स्टार हैज 899 और हैज यहाँ पे हमें इस तरीके से ओपन कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टार हैज 899 हैज वाला जो कोड है ये ओपन कर लिया है, एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब जो है मैनुअल टेस्ट पे वापस चले जाना है, और बीच वाला सिर्फ ऑप्शन हमें जो सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ आपको बीच वाला बटन इस तरीके से दबाना है तो पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन यहाँ पे 100% अनलॉक हो चुका है, और आपसे कोई भी पासवर्ड पैटर्न पिन यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल नया मेथड, इसको ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो बेझिझक आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।